बरल में आप जो रस्मी हमारी जो जो भी 5-7 मिनट की रस्म होगी उसके लिए मैं आपसे सब्र की गुजारिश करूंगा कि वो आप मेरे साथ सब्र के साथ उसको एंजॉय कर लें। सबसे पहले मैं वहीं शादाब साहब, मेरे ख्याल से आप तशरीफ लिया है, मैं चाहूंगा कि शेपर रसूल साहब का मैं खुद ही एक शाल और उसके साथ आपका खैर मकदम कर लूं। कलीमुल हफीज साहब से गुजारिश है कि आप इस्तकबाल फरमाएं शेपर रसूल साहब का, जो अभी हाल ही में जिनको दिल्ली उर्दू अकेडमी का वाइस चेयरमैन मुकर्रर किया गया है और अदबी हलकों में बड़ी खुशी की लहर है, न सिर्फ दिल्ली बल्कि हिंदुस्तान बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी, जिस तरह उनकी तकर्री का खैर मकदम हुआ है तो जाहिर है कि उस अंदाजा होता है कलीमुल हफीज साहब उनका खैर मकदम कर रहे हैं, गुलपोशी उनकी की जा रही है और एक शॉल भी उनकी खिदमत में पेश की जा रही है। और एक मोमेंटो, किसी का एजाज करना, खैर मकदम करना जिंदा कौमों की अलामत है और अल्हम्दुलिल्लाह हम जिंदा कौम के फर्जंद हैं और उसी का सबूत है आज की महफिल। मैं गुजारिश करता हूँ मोहतरम ताहिर फराज साहब से कि उनका खैर मकदम भी मोहतरम कलीमुल हफीज साहब फरमाएंगे, गुलपोशी होगी और शॉल उनकी खिदमत में पेश की जाएगी और मोमेंटो पेश किया जाएगा जनाब ताहिर फराज साहब, जिनके नाम से आज की शाम मंसूब है। बहुत बहुत मुबारकबाद, आज ही अमेरिका के सफर से लौटे हैं, ये उनकी मोहब्बत है कि अभी तो उनका जो टाइम शेड्यूल है, क्योंकि अमेरिका में जब रात होती है तो यहाँ दिन होता है, यहाँ दिन होता है तो वहाँ रात होती है, तो इन्होंने पूरी जहमत बर्दाश्त की, ये समझिए दो रातें इनकी हो गई हैं, अब दिन इनका निकला है, सुबह हुई है अमरीका के एतबार से। जनाब डॉक्टर तारिक कमर साहब का भी खैर मकदम किया जा रहा है, जिस तरह अपनी मोहब्बतों का इजहार किया भाई तारिक कमर साहब के हवाले से, यकीनन वो ऐसी प्यारी शख्सियत के मालिक हैं और हमें अब रश्क हो रहा है कि हम उनके रूम पार्टनर क्यों नहीं रहे। नहीं नहीं नहीं, नहीं वाकई जो जिसका जिक्र किया कलीमुल हफीज साहब ने, काश हमारी उम्रें वापस आए फिर हम एडमिशन लें अलीगढ़ में। मुरादाबाद में पार्टनर रहे हैं, मुरादाबाद में तो हम भी पढ़े लेकिन हम देर से पहुंचे थे, हम लोग जरा देर से बाजार में आए। बहुत बहुत मुबारकबाद डॉक्टर तारिक अमर साहब को। कशिश एटवी साहब जो सदारत फरमा रहे हैं उनका भी इस्तकबाल किया जाएगा, उनकी खिदमत में शॉल पेश की जा रही है, जिस तरह उनकी खूबियों का जिक्र किया और उनकी सदाबहार उम्र का तस्करा खास तौर से किया कि छोटे भाई जो है उनके बड़े लग रहे हैं, तो ये उनकी शख्सियत का हुस्न है, ये फन बहुत कम लोगों को आता है कि वो हमेशा जवान रहें। बहुत अच्छे शायर कशिश एटवी साहब, बहुत अच्छे नाज़िम मुशायरा, बहुत अच्छे कन्वीनर, मुरादाबाद में जिस ज़माने में ये थे तो वहाँ इनके मुशायरों की बड़ी धूम थी। बहुत मुबारकबाद, बहुत शुक्रिया। आसिफ आज़मी साहब डायरेक्टर आइडिया कम्युनिकेशन, हम सब के दोस्त और बहुत प्यारी शख्सियत, न सिर्फ दोस्तों के दोस्त बल्कि दुश्मनों के भी दोस्त, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, आसिफ आज़मी साहब को ये हुनर आता है, बहुत ही नस्तालीक शख्सियत के मालिक, कतर और दिगर गल्फ ममालिक में उन्होंने मुशायरे मुनक़िद कराए हैं, दस्तावेज़ के नाम से एक मुजल्ला शाया करते हैं, इसके अलावा और भी उन्होंने रिसाले शाया किए, दूरदर्शन के कंसल्टेंट रहे उस जमाने में जब वो दूरदर्शन उर्दू के कंसल्टेंट थे, तो बड़े अच्छे प्रोग्राम से इनकी इनके ज़ेर सरपरस्ती वहाँ पर बनाए गए। मोहतरम अशफाक कुरैशी साहब जो इफ्तिताह फरमाएंगे आज के इस मुशायरे का, इस बज़्म का, उनका भी इस्तकबाल किया जा रहा है। जी आप रेलवे महकमे से एक सीनियर ओहदे से सुबकदोश हुए हैं,
और जहाँ रहे जिस शोबे में रहे उन्होंने अपने अपने कमाल के जौहर दिखाए। बहुत ही मासूम और सादा शख्सियत के मालिक अशफाक हुसैन कुरैशी साहब, उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। एम अशफाक कुरैशी साहब, बहुत मुबारकबाद आपको भी। सुहैब फारूकी साहब जो कन्वीनर हैं इस मुशायरे के, ये पहली बार हो रहा कि कन्वीनर का भी इस्तकबाल हो रहा है, ये आपने नई मिसाल कायम की है साहब। असगर एडवोकेट साहब कहाँ तशरीफ ले जा रहे हैं? अच्छा, नमाज के लिए आइए, चंद लम्हों के लिए आइए। सुहैब फारूकी साहब का इस्तकबाल हो रहा है, उनको गुलपोशी और ये चादर पेश की जा रही है, मोमेंटो। बहुत बहुत मुबारकबाद।